हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज मैं आपके सामने बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी F62 के बारे में। अच्छा, और दोस्तों इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि क्या इस स्मार्टफोन के अंदर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और क्या आपको बहुत ही बुरा देखने को मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों जानते हैं स्मार्टफोन के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही यह कितने प्राइस पॉइंट पर आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं गैजेट्स बाय MJ। दोस्तों मैं आपको जो स्मार्टफोन बता रहा हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 के फीचर्स के बारे में। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको सैमसंग का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है जो की है Exynos 9825 प्रोसेसर। और यह प्रोसेसर 7nm फैब्रिकेशन पर रन करता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर अपडेट आता है जो की सैमसंग One UI के साथ आता है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको Mali G76 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। और बात करें इसके एंटीटू बेंचमार्क की तो इसके अंदर आपको 4,25,000 के आसपास एंटीटू बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है जिसको आप 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलती है और UFS 2.0 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में यह स्मार्टफोन काफी अच्छा है। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.7 इंच की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि आती है कोइन गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ। इसके साथ ही इसके अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। दोस्तों सैमसंग हमेशा अपने स्मार्टफोन के अंदर बहुत ही अच्छे डिस्प्ले देता है। और इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी डिस्प्ले के देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही अच्छी ब्राइट डिस्प्ले है। चलिए बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको 64MP का वाइड एंगल कैमरा, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 5MP का डेप्थ कैमरा और मैक्रो कैमरा देखने को मिलते हैं। और इस स्मार्टफोन से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी के अंदर आपको 32MP का कैमरा देखने को मिलता है जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है और इस कैमरे से भी आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों गैलेक्सी F62 के अंदर आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलता है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं इसकी बैटरी की तरफ। वैसे इसके अंदर आपको बैटरी नहीं एक बैटरा देखने को मिलता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा हाँ दोस्तों इसके अंदर आपको 7000mAh का बैटरा देखने को मिलता है जो कि आता है 25W फास्ट चार्जिंग के साथ। और यह स्मार्टफोन आपको नॉर्मल यूजेज में 2 से 2.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। दोस्तों बैटरी के मामले में यह स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आपको 7000mAh का बैटरा देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज पर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। हालांकि एक और स्मार्टफोन है जो कि इससे भी कम प्राइस रेंज पर आता है और वह Tecno Powa 2 है। उसके अंदर भी आपको 7000mAh का बैटरा देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में। तो जैसे कि यह स्मार्टफोन ड्यूल सिम देखने को मिलता है और यह 4G स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको 5.0 ब्लूटूथ देखने को मिलता है, साथ ही GPS भी देखने को मिलता है। और इसके साथ यह स्मार्टफोन NFC को भी सपोर्ट करता है। और इसके अंदर आपको FM रेडियो, डॉल्बी एटमोस के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, 3.5mm जैक देखने को मिलता है। और सेंसर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर, प्रोक्सीमिटी एक्सोमीटर, जायरोस्कोप देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो यह आपको अमेजोन पर 6GB रैम 128GB स्टोरेज 19,950 रुपये का देखने को मिलता है। दोस्तों बात करते हैं इसके ओवरऑल रिव्यू के बारे में। तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी बैटरी देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छी डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, साथ ही कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी क्योंकि इसके अंदर आपको एंटीटू बेंचमार्क 4 लाख के आसपास देखने को मिलता है। अगर स्मार्टफोन की कमियों के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 7000mAh बैटरी होने के कारण काफ़ी यह स्मार्टफोन हैवी भी है और साथ ही बल्कि भी देखने को लगता है। बाकी यह स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आता है और मल्टीमीडिया गेमिंग के लिए भी यह स्मार्टफोन अच्छा है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके साथ ही ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना ताकि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय।